Hi friends, myself Sushant Sajan Shetty, Bachelor of Engineering in Civil. So in this video I am going to explain you about the जो कॉमन मिस्टेक जो होते हैं सिविल इंजीनियर से या फिर कुछ हम काम करते हैं लेबर से जो थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। फिलहाल मैं जो हूँ गैस किचन प्लेस में हूँ, किचन एरिया में हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइट है इसका करीब 2 फीट 5 इंच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी इनकन्वीनियंट है लेडी को, घर के लेडी को काम करते वक्त। तो मैं इसका डिटेल बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, इसका हाइट है 2 फीट 5 इंच, ऑलमोस्ट 29 इंच का है। तो इसका कंप्लीट एक्यूरेटली रहना था, इसका हाइट जो है 29 प्लस 1 2 3 4, करीब 2 फीट 9 इंच का रहना था। तो 2 फीट 9 इंच रहा था तो कंप्लीट कन्वीनियंट था। तो ये तो थोड़ा बहुत कुछ छोड़, तो यही मेरा इंटेंशन है कि ये वीडियो में कुछ आपको थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक जो होते हैं वही बताना चाहता हूँ। और अभी चलिए मैं दूसरे जगह पे आपको लेके जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड कॉमन मिस्टेक। आई गोइंग टू से यू अबाउट द सेकंड कॉमन मिस्टेक विच विल हैपन यूजुअली विद द सिविल इंजीनियर्स और द वर्कर्स और आफ्टर द सीलिंग पोर्शन। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। सो लेट्स आई विल मेजर द दिस आई विल टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस। So the height of this roof or this ceiling is, ceiling level is, it's about 82 inch 6 feet 10 inch। So नीचे क्यों आया है, मेन रीजन है, सपोज आप बीच बीच में बीम्स आए तो स्लैब रूप में, स्लैब एरिया में जहाँ पे भी बीम आए समझ लीजिए, तो बीम आने के बीम आने की वजह से जो है अपना सीलिंग क्या करते हैं हम, उसको बीम को कवर अप करने के लिए करीब 1 फीट का, तो मिनिमम 1 फीट का हम जो है नीचे लेते हैं ताकि जो बीम हो जाए कम्प्लीटली कवर हो जाए। तो उसके लिए तो स्टार्टिंग में ही आपको क्या मेजर करना बोले तो, या फिर एक माइंड में केयर जो लेना है, मिनिमम जो है रूम का साइज, रूम का हाइट जो है, सपोज ग्राउंड फ्लोर में है तो करीब करीब मिनिमम 11 फीट का रखना चाहिए ग्राउंड फ्लोर में। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे है तो 10 फीट रख सकते हैं, 10.5 फीट। सो सपोज आप 11 फीट का रख दिए बोले तो उसमें सीलिंग भी गया जाने के बाद जो होता है 10 फीट का होता है, तो काफ़ी सफिशियंट रहेगा और कन्वीनियंट भी रहेगा। तो ये कॉमन सेकेंड मिस्टेक। और आपको थर्ड मिस्टेक बताना चाहता हूँ दूसरे वीडियो में। चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको थर्ड कॉमन मिस्टेक बताना चाहता हूँ एक घर पे, जो आप अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसमें जो वीडियो में है जो है मैं आपको थर्ड कॉमन मिस्टेक बताना चाहता हूँ। तो चलिए फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका लेंथ बहुत कम हुआ है ड्यू टू दी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस प्रॉब्लम। सो ये तो मजबूरी से लेना पड़ा है फोर्सेबली। और दूसरा मिस्टेक जो है वहां पे देखिए आप, सीलिंग आप जो देख सकते हैं, सपोज आपको एडवांस में ही थिंक करके सोचना पड़ेगा कि हम कबाड कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे उसका प्लेसिंग करना चाहिए, उसके हिसाब से हम सीलिंग बनाना चाहिए। तो अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर जो है फर्स्ट हम सीलिंग करते हैं, फर्स्ट हम जो है सीलिंग कराए हैं उसके बाद हम फर्नीचर बिठाए, तो उससे जो है प्रॉब्लम क्या है बोले तो सीलिंग जो है उसके अंदर चले गया, फर्नीचर के अंदर चले गए, यानी कि वो एक थोड़ा डिजाइन खराब हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, वेस्ट ऑफ देयर विल बी सम वेस्टेज ऑफ मनी, तो ये थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए। और तीसरी बात जो है, हम डोर जो है कम्प्लीटली खोलने नहीं आता, यानी कि इन्हों तो कन्वेंट कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, सपोज मैं यहाँ से एंटर होता हूँ, एंटर होते जो घर का जो प्लग है यहाँ पे रहना चाहिए, तो यहाँ के बदले मिस्टेक जो हुआ है यानी कि इलेक्ट्रिशियन जो दिया है इस तरफ दिया है, तो इससे इनकन्वीनियंट होता है। सपोज मैं यहाँ से एंटर आया, एंटर आते ही तो प्लग यहाँ पे ऑन रहा तो करेक्ट रहता था, यानी कि और थोड़ा यहाँ पे जाकर हमें लाइट ऑन ऑफ करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।